राजधानी देहरादून की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, साथ ही वार्डों में फॉगिंग का कार्य सही से किए जाने की बात कही। डेंगू के रोगियों से ठीक से देखभाल करना जरूरी है। इसके अलावा डेंगू को नियंत्रित करने के लिए लार्वीसाइड का छिड़काव और फॉगिंग करने के काम जारी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को आयुक्त ने दिए हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जब चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है। और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उपस्थित थे।